हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन। आज मैं अंडा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए देखते हैं। एक अंडा, मैं एक पराठे में एक अंडा डालूंगी, आप दो भी डाल सकते हैं। एक चुटकी नमक, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल पराठे को फ्राई करने के लिए, और आटा जिसको हमने 10 मिनट पहले गूंथ के रख लिया है, और इसमें भी नमक है इसलिए हम नमक का यूज कम करेंगे। चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक पराठे के साइज का आटा लेना है, इसके एक छोटा सा गोला बनाना है। देखिए, हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है, अब इसको बेलते हैं। अब हमने इसे सूखे आटे में डिप करना है और रोटी के साइज का बेलना है। देखिए, हमने इसे रोटी के साइज का बेल लिया है, अब हम इसे तवे पर डालते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें रोटी डालेंगे। तब तक हम अपना आटा रेडी करते हैं। इसमें हम डालेंगे एक चुटकी नमक, एक चुटकी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से बीट करेंगे। हम अंडे को जितना अच्छी तरीके से बीट करेंगे उतना ही हमारा अंडा पराठा फूल जाएगा। देखिए, हमारी रोटी फूलने लगी है। अब हम गैस स्लो कर देंगे और इसको पलट के इसको यहां से काट के हम इसके अंदर अंडा डाल देंगे और यहां से इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इस साइड भी हम इसमें ऑयल लगा देंगे। देखिए, अंडे का पराठा पूरा फूल चुका है। इसका मतलब इसके पराठे के अंदर जो हमने अंडा डाला है वो पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम पराठा एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे जिससे एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए। हमारा अंडे का पराठा तैयार है। हम इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज कमेंट में जाके कुछ कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।